नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आप सभी WhatsApp का यूज करते होंगे और आपके WhatsApp में बहुत सारी फोटो और वीडियो फाइल्स यानी कि मीडिया फाइल्स आते रहते होंगे। दोस्तों ये सारी फोटो और वीडियो फाइल्स आपकी फोन की इंटरनल मेमोरी में स्टोर होते रहते हैं और आपका फोन धीरे धीरे करके स्लो होता जाता है और फिर बाद में हैंग करने लगता है। दोस्तों इस समस्या से निपटने के लिए आप इन मीडिया फाइल्स को फोन के मेमोरी कार्ड में स्टोर कर सकते हैं। जी हाँ, WhatsApp की मीडिया फाइल्स को मेमोरी कार्ड में स्टोर किया जा सकता है। उससे क्या होगा कि आपके फोन का मेमोरी कार्ड भरेगा, ना कि आपका इंटरनल मेमोरी। दोस्तों ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, हमारी एक सब्सक्राइबर है अवंतिका अग्रहरी जी, उनके कहने पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। यदि आपकी भी कोई समस्या हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। दोस्तों इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हमको सेटिंग्स में जाके कुछ सेटिंग्स को चेंज करना होगा। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की ओर और देखते हैं कैसे WhatsApp मीडिया फाइल्स को मेमोरी कार्ड में ट्रांसफर किया जाए। दोस्तों अब हम चलते हैं सेटिंग्स की ओर। सेटिंग्स ओपन कर लीजिए, उसके बाद आपको आना है ऐप्स में। आपके फ़ोन में ऐप्स होगा या फिर आप ऐप मैनेजर के नाम से सर्च कर लीजिएगा, उसमें आपको ये ऑप्शन मिलेगा जिसमें हमें जाना है। हम करते हैं ऐप्स को ओपन। इसके बाद आप सबसे नीचे WhatsApp पर आ जाइए। देखिए ये है WhatsApp। इसके बाद आपको जाना है स्टोरेज पे। देखिए ये स्टोरेज। देखिए दोस्तों अभी यहाँ पर क्लियर डेटा और क्लियर कैश लिखा है, उसके नीचे अभी आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अभी हम जाके एक सेटिंग चेंज करेंगे तो यहाँ पर एक नया ऑप्शन दिखने लग जाएगा। ठीक है, अभी हम इसे करते हैं बैक। ये हमने इसे कर दिया बैक। ये अब हम वापस पहले वाली स्क्रीन पर आ गए हैं। दोस्तों इसके बाद आपको नीचे आना है और अबाउट फोन में जाइए। यहां पर आपको सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में जाना है और आपको बिल्ड नंबर पे 7 बार टच करना है। इससे आपका डेवलपर ऑप्शंस नाम का एक नया सेटिंग्स ओपन हो जाएगा। देखिए इसको 7 बार टच करिए। देखिए आपको पिन डालना होगा, पिन डाल दीजिए। डेवलपर मोड इनेबल हो चुका है, बैक करिए। ये एक इंटरनल सेटिंग है, आपको ऐसे नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको डेवलपर मोड में जाके इसे इनेबल करना होता है। देखिए अभी यहाँ नीचे डेवलपर ऑप्शन आ गया है, इसके अंदर जाइए। इसके बाद नीचे आइए, मेरे फ़ोन में ये बहुत नीचे है, हो सकता है आपके फ़ोन में कहीं पर और हो, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर हमें जो लिखा हुआ है फोर्स अलाउ एप्स ऑन एक्सटर्नल, इस पर टच कर दीजिए। ठीक है ये हो गया। इसके बाद बैक करिए और ऐप्स में आइए। यहाँ पर अब हम वापस जाएंगे व्हाट्सएप पर, सबसे नीचे। देखिए ये रहा व्हाट्सएप। यहाँ पर स्टोरेज, देखिए दोस्तों यहां पर अब लिखकर आ गया है स्टोरेज यूज्ड। यहां पर लिखा हुआ है इंटरनल स्टोरेज, इसे हम करेंगे चेंज। देखिए ये ऑप्शन पहले नहीं आ रहा था, इसे कर दीजिए एसडी कार्ड। देखिए अभी आपसे कहेगा कि ये व्हाट्सएप को एक्सपोर्ट कर रहा है मेमोरी कार्ड में, आप इसे कर दीजिए मूव। देखिए व्हाट्सएप मेमोरी कार्ड में मूव हो रहा है। इस वक्त आप फोन को बिल्कुल भी टच मत करिएगा, कुछ भी उसमें मत करिए। अब आपकी सारी की सारी मीडिया फाइल्स आपके मेमोरी कार्ड में स्टोर होंगी। ये हो चुका है, ठीक है, स्टोरेज पे गए। ये देखिए स्टोरेज यूज्ड, एक्सटर्नल स्टोरेज आ गया है, यानी कि अब आपका जो भी डेटा है वो मेमोरी कार्ड में स्टोर होगा। अब आपके फोन में जितनी मर्जी फोटो वीडियो आए, आपका फोन स्लो नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों WhatsApp से वीडियो कॉल नहीं कर पा रहे हो तो उसे ठीक करने के लिए ये वाला वीडियो देखिएगा। और ग्लाइड टाइपिंग यानी कि बहुत फास्ट टाइपिंग, ऐसे उंगली फिरा के टाइपिंग कैसे की जाती है उसको सीखने के लिए ये वाला वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।